वंदे कर्तव्यम। बीती रात यानी रविवार गांदरबल में एक टनल में रात में काम करते हुए 6 मजदूरों और एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई। और कहा जाता है कि संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी थे, चिल्लाते रहने से काम नहीं चलेगा। हर भारतीय नागरिक को जिम्मेदारी की टोपी यानी कि पैरे पहननी होगी। अब मुझे ये बताइए कि जब वहां मजदूर काम कर रहे थे इसीलिए डॉक्टर रखा गया, रात के समय काम कर रहे थे, टनल में काम कर रहे हैं, कहीं से कोई गैस लीक हो जाए, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाए, फर्स्ट एड की जरूरत पड़े तो डॉक्टर रखा। जम्मू कश्मीर जैसे भारत के स्टेट में यदि रात में मजदूर काम कर रहे हैं जहां से आतंकवाद अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, तो क्या आपको वहां किसी तरह की सुरक्षा मुहैया नहीं करानी चाहिए थी? अब सरकार ने कहा है कि मिलिट्री को खुली छूट दे दी है, पहले क्यों नहीं दी? मैं एक नागरिक होने के नाते पूछता हूं, मेरे देश के 7 नागरिक जो मरे हैं उसका दर्द है मुझे। आप कहते हैं कि अब तफ्तीश से पता चला है, पर्दाफाश हो गया है कि वो किसको मारने आए थे, क्या उनकी मंशा थी। अब क्या करेगा? आप चिड़िया चुग गई खेत? जवाब दीजिए साहब। सिर्फ निंदा करते रहने से काम नहीं चलेगा। गृहमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जो नए बने हैं, कि हमने आतंकवाद इस मिशन से हत्याओं की निंदा की, ना निंदा नहीं स्वीकार्य है मेरे पास। 145 करोड़ भारतीयों की तरफ से मैं वो नागरिक हूं जिसने सर पर जिम्मेदारी की टोपी लगाई है। जवाब आपको देना है, ऐसे हमले हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। आतंकवाद का सफाया हो तो आतंकवादी पैदा ही नहीं होंगे, बीज तो आतंकवाद है। आज हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के हर हिस्से में चाहिए। करना है जो काम करेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे। जय हिंद।